वो अच्छा बड़ा हो, इसमें पर्याप्त जगह रहे, यहाँ बैठ के आराम से पूजा किया जा सके। भोलेनाथ का अगर आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित ही आने वाले समय में यहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण होगा। कहते हैं मनोकामनाएं पूरी होती है महादेव के पास। हाँ बिल्कुल, ये सत्य बात है कि ये सिद्ध मनोकामना मंदिर है, यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जो सच्ची श्रद्धा आस्था से हम मंदिर में पूजा करने आते हैं उनकी निश्चित ही मनोकामना यहाँ पूरी होती है। महाशिवरात्रि बहुत सारी महिलाएं पूजा व्रत करती हैं, व्रत रहती हैं खास तौर पर, आपने कुछ मन्नतें मांगी हैं महादेव से? हाँ, हर इंसान की होती है, मैंने भी कुछ मन्नतें मांगी हैं। मन्नतें बताई नहीं जाती, मन्नतें बताई नहीं जाती। पंडित जी कब से हो सुबह से यहाँ पे? यहाँ से सुबह हम 5 बजे से हैं जी। हाँ, और यहाँ हम हर भक्तों का जो तांता लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा भीड़ है, भीतर में रहते रहते सफोकेशन होता होगा, और दिया माती भी भीतर नहीं जलाई जाती, ऐसे कुछ है। हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ चित्रकूट से यहाँ आते हैं, और प्रतिवर्ष कभी राम कथा, कभी श्रीमद् भागवत पुराण, महायज्ञ, बहुत ही अच्छा गांव, और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, और बड़ी धूमधाम के साथ श्री भोलेनाथ महाराज की पूजा होती है, अर्चना होती है। चित्रकूट जहाँ पर भगवान राम रुके थे और चित्रकूट में काफ़ी समय बिताए थे, वहाँ से पंडित आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं, और लगातार यहाँ पर राम कथाएँ चलती हैं, राम जी के लीलाओं का वर्णन होता है, ये सारी चीज़ चलती है। पंडित जी ने बताया कि वो चित्रकूट से आए हैं, और यहाँ पर ये जो लोग हैं ये ग्रामीण हैं, आसपास के लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है।